मध्य प्रदेश के बड़वाह में कोरोना वायरस जैसी संक्रमण वाली बीमारियों को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में नगर के सभी 18 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से सफाई जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसमें शुक्रवार को मंडल के सुरेंद्र पांड्या, नरेंद्र राठौर, चेतन साहू, एजाज खान और सैयद कुरैसी, संजय जैन, राकेश चौहान, रवि के अलावा अनेक कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 1 व 2 में पहुंचकर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके बाद में मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका सीएमओ हरिराम सिंधिया से मुलाकात की और सफाई अभियान के संबंध में चर्चा भी की। श्री सिंधिया ने बताया कि डीएम के निर्देश अनुसार 31 मार्च तक निरंतर नगर में साफ सफाई की जाएगी, दवाई का छिड़काव किया जाएगा और मशीन के माध्यम से यहां फंगिंग का धुआं भी करवाया जाएगा। हम सभी कार्यकर्ताओं ने सतर्कता अभियान मुहिम छेड़ी है, जिसके अंतर्गत हमने आज 2 वार्ड लिए, 1 नंबर और 2 नंबर। हम दोनों वार्डों में पूरी टीम हम लोग पहुँचे, वहां कुछ त्रुटियां थी, कुछ जगह गंदगी पाई गई, कई जगह नालियां चोक थी और कई ऐसी छुटबुट समस्याएं जिसका सामना हमने किया और हमने तुरंत नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया और नगरपालिका ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए उसको स्वच्छ करवाया। जैसे ब्लीचिंग हुई, नाली में पानी चोक हो रहा था या अन्य जगह झाड़ू गंदगी ये नहीं थी, तो इस संक्रमण रोग जो इतनी फुर्ती से फैल रहा है बड़वा नगर में, उसके लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, हम लोग आमजन तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग भी सभी जागरूक हों और स्वच्छता का ध्यान रखें। इस रोग का सामना केवल हम स्वच्छता के माध्यम से ही कर सकते हैं, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आप सभी से यही विनय है। मंडल के कुछ प्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें वार्ड क्रमांक 1, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 2 की समस्या उन्होंने बताई गई है सफाई को लेकर, जिसको हमने संज्ञान में लिया और उनके साथ नगर पालिका की पूरी टीम उसी समय हमने इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारी टीम वहाँ पर तत्काल उपलब्ध करवाई गई और उनका हमारा जो नगर पालिका को सहयोग किया जा रहा है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो नगर में घूमकर जो समस्या हमको बताया नगर पालिका को बताई जा रही है, उसमें कुछ है जैसे नाले के संबंध में कुछ जानकारी बताई गई, नाली साफ सफाई के बारे में बताई गई है, ब्लीचिंग डालना है, कुछ स्कूल बताई गई, कुछ छात्रावास हैं उनको विशेषकर जो है ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक छिड़काई वो करवाया जाना है। माननीय डीएम साहब के आदेश अनुसार हमने एक मुनादी भी शहर में करवाई जा रही है, जिसमें पशु बाज़ार, हाट बाज़ार ये बंद करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही जो शहर के अंदर जो मटन मार्केट संचालित हैं दुकानें, उनको भी हम सूचना पत्र दे रहे हैं और उनको भी बंद करने का हमने कल उनको हम समक्ष में बोल के आए और साथ ही हमको ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो दवा होती है छिड़काव के लिए, वो भी आज हमें प्राप्त हो जाएगी और आज शाम से हम जो है पूरे शहर के अंदर उसका छिड़काव करेंगे और फागिंग मशीन का भी हम जो है शहर में धुआं हुआ करवाएंगे। बिल्कुल 31 तारीख तक कंटिन्यू इसको जो है शासन आदेशानुसार कार्य किया जाएगा।